अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ट्रंप इस दौरे को लेकर ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस ने इशारा दे दिया है कि जब मोदी ट्रंप आमने सामने होंगे तो तमाम मुद्दों के अलावा नागरिकता कानून पर भी बात होगी। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। अला कानून आया इन्हें रिजेक्ट कर, क्योंकि शाहीन बाग का ही मसला नहीं, पूरे भारत में उतरा हुआ है, सभी भारत के लोग परेशान हैं। हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो हमें क्या ऐसी खेल हो रहा है कि हम रोड पे बैठे हुए जो वो नहीं आ सकते। डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं, उनके स्वागत की भव्य तैयारियां हैं। पलक पावड़े बिछाकर ट्रंप के भारत आने का इंतजार हो रहा है, लेकिन ट्रंप आएंगे तो मोदी सरकार के लिए कुछ सवाल भी लाएंगे और उनमें सबसे बड़ा सवाल होगा नागरिकता कानून पर देश भर में आक्रोश का। CAA के मुद्दे पर 2 महीनों से ज्यादा समय से विरोध कर रहे शाहीन बाग के लोगों से बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नुमाइंदे यानी वार्ताकार भेजे, लेकिन अब ये मुद्दा सिर्फ शाहीन बाग तक ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इनके बीच की बातचीत का भी विषय बनेगा। ये कहा जा रहा है कि न केवल CAA के मुद्दे पर बल्कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भी दोनों नेताओं में शिखर वार्ता होगी। ट्रंप के भारत में कदम रखने से पहले ही व्हाइट हाउस ने बता दिया है कि नागरिकता कानून पर विरोध को अमेरिका नजरअंदाज नहीं करेगा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने फोन पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा, राष्ट्रपति ट्रंप धार्मिक आजादी पर जरूर बात करेंगे, सार्वजनिक मंच से भी बात होगी और निजी मुलाकात में भी बात होगी, क्योंकि ये मुद्दा हमारे लिए बेहद अहम है। पत्रकारों ने अधिकारियों से नागरिकता कानून NRC पर अमेरिका के स्टैंड को लेकर सवाल किया। ये पूछा कि क्या ट्रंप के दौरे पर इन सब पर भी बात होगी। इस पर व्हाइट हाउस के अफसर का कहना था, भारत का संविधान धार्मिक आजादी देता है और अल्पसंख्यकों को सम्मान सुनिश्चित करने की गारंटी भी देता है। सबके साथ समान बर्ताव का मुद्दा हमारे लिए बेहद अहम है। जब मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो इस पर जरूर बात होगी। जाहिर है ट्रंप प्रशासन धार्मिक आजादी को लेकर सख्त है। एक सवाल के जवाब में अफसर ने यहाँ तक कहा, PM मोदी ने जीत के बाद कहा था कि धार्मिक आजादी सुनिश्चित करेंगे, दुनिया उनकी तरफ देख रही है कि वो कानूनी दायरे में ऐसा करे। ये भी अजब संयोग है कि जब ट्रंप भारत के दौरे पर हैं तो शाहीन बाग सुर्खियों में है। 70 दिनों से आंदोलन पर उतरी इन महिलाओं की आवाज दुनिया तक पहुंच रही है। माँ बहनों का इतना अच्छा काम किया उन्होंने, तो अब माँ बहने 2 महीने से भी ज्यादा बैठी हुई हैं रोड पे, ठंड में, बारिश में, उसमें, तो अब भी उन्हें सोचना चाहिए हमारी तरफ, अपनी माँ बहनों की तरफ, कि हम इनकी बात सुने, क्या कह रही हैं, क्या कहना चाहती हैं। हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो हमें क्या ऐसी खेल हो रहा है कि हम रोड पे बैठे हुए कि वो नहीं आ सकते। जब उनको वोट चाहिए होते घर घर जाते हैं, आज गृह मंत्री बन गए तो उनके पास टाइम नहीं है। हम जनता से वो बने हैं, आज उनके पास टाइम नहीं हमारे आवाज सुनने के लिए। अगर कहीं और जगह हमें देने के लिए कह रहे हैं कि हम कहीं और बिठा लेंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा? तुम मोदी जी ने तो हमारा मजाक बना बनाया, कोर्ट भी हमारा मजाक बना रही। ये वो आवाज है जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी संजीदा है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी। अब अगर ट्रंप के दौरे के दौरान नागरिकता कानून पर बात हुई तो मोदी सरकार के लिए असहज स्थिति हो सकती है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।